हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप लोग भी जियो सिनेमा पर IPL मैच देखते हैं और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आता है, ऑटोमेटिक चलते चलते ये इस तरह से बाहर आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर मैच लाइव देखते रहते हो और यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है जियो सिनेमा एप्लीकेशन से, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे, यही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सो इसके लिए तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस जियो सिनेमा जो ये एप्लीकेशन है इसको आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर को खोज लेना है अपने फ़ोन स्मार्ट टीवी में। तो जो जहाँ पर भी आपको प्ले स्टोर है वहाँ पर आपको इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपको प्ले स्टोर दिखेगा, इसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्ले स्टोर है ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर में सर्च का एक ऑप्शन दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको, आप चाहे तो यहाँ से बोल भी सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो बोलिए या फिर टाइप कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर बोल लेते हैं जियो सिनेमा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर जियो सिनेमा बोले हैं तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जियो सिनेमा का एप्लीकेशन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है अपडेट का, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपडेट में आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके और इसे अपडेट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारे टीवी में जियो सिनेमा एप्लीकेशन में कोई बग होते हैं तो वो सब अपडेट करने के बाद फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 100% सही हो जाएगा। और जो भी हमारा टीवी का प्रॉब्लम है, स्मार्ट टीवी में जो IPL नहीं चल रहा है, मैच नहीं चल रहा है, जियो सिनेमा ओपन नहीं हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम ये सब यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और इसे अपडेट होने देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, इसमें 2-3 मिनट वेट करना है। तो 1-2 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ओपन का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। तो यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो टीवी में अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे ओपन करना है। जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो 100% सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप ठीक कर सकते हो, या फिर आप अपना जो ये है क्या बोलते हैं, आपका जो डिवाइस है, जो आपका टीवी है, उसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपका टीवी जब वो पुराना वर्जन का होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चलते हैं सेटिंग में और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ये है 4K HD ये सब का भी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर अपडेट करने के बाद 4K का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपडेट कर लेना है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टीवी को कैसे अपडेट करना है। तो ये जियो सिनेमा एप्लीकेशन तो अपडेट हो चुका है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुका है। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाना है ऊपर में सेटिंग में, सेटिंग पे जाइए, टीवी के सेटिंग में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डिवाइस परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद अबाउट पे क्लिक कर लेना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिस्टम अपडेट, सिस्टम अपडेट पे क्लिक करेंगे। और सिस्टम अपडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से दिखेगा चेकिंग फॉर अपडेट। और जो भी अगर अपडेट आया होगा तो यहाँ पर जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा आपके स्मार्ट टीवी में। और उसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा वो सब इंस्टॉल हो जाएगा आपके स्मार्ट टीवी में। तो देख सकते हैं जो मेरा अपडेट है वो लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मुझे अपडेट नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि आपका स्मार्ट टीवी में भी अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा टीवी जब वो अपडेट नहीं होता है तो हमारा जियो सिनेमा एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करता है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि आप फिक्स कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जियो सिनेमा एप्लीकेशन को यूज करने में और मैच देखने में, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।